प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। आज का संदेश प्रभु के दास ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछले दिनों में इब्रानियों का किताब का पहला अध्याय से हम लोग विचार करते आ रहे थे। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय इसका 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम टकरा जितना उसने उनसे बड़ा पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 1 से 3 पदों में प्रभु यीशु मसीह का महत्व को हम लोग देख लिया है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और बांधी बांधी से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यीशु मसीह का गुणों को यहाँ पर बता रहा, वो सृष्टिकर्ता है, संभालने वाला है और बदारे महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। इसके बाद बदारे वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वजनों से संभालता है और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दागिने जा बैठा है। इतना ही बात हम लोग देख लिया। इसके बाद लेखक ने बता रहा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्गदूतों का नामों से बहुत श्रेष्ठ है। यहूदी लोग स्वर्गदूतों को बहुत मानता था, आदर भी करता था। इसका कारण क्या मालूम है? प्रेरितों का काम 7वां अध्याय का 53 पदों में और 38 पदों में सब बताता है। जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया हम लोग जो देख बताता है, लेकिन हम पर स्पष्ट बताता है स्वर्गदूतों के द्वारा मिला है। सो मध्यस्थ के रूप में स्वर्गदूतों के द्वारा ही जो व्यवस्था मिल गया है। और गलातियों का किताब 3:19 में भी ये बात बताता है, स्वर्गदूतों के द्वारा जो व्यवस्था मिल गया, इसलिए स्वर्गदूतों को बहुत उत्तम स्थान जगह दिया करता था। मैं वही पद पढ़ रहा, गलातियों का किताब 3:19। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई और उसे उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ
ठहराई गई। स्वर्ग दूतों के द्वारा जो मध्यस्थ के हाथ में दिया है, कहने का मतलब स्वर्ग दूतों के द्वारा ही वो दिया गया है। इसलिए स्वर्ग दूतों को बहुत ऊंचे जगह पर जो इब्रानी लो जो यहूदी लो मानता था, और अब्राहम से याकूब से और कई जो प्रभु का लोग हैं स्वर्गदूतों के द्वारा बातें किया है। इसलिए उन लोग यीशु मसीह से भी थोड़ा ऊंचा जगह स्वर्गदूतों को देने के लिए कुछ लोग सोच रहा था। सो यहां पर लेखक ने बता रहा है केवल पुत्र करके बुलाया केवल प्रभु यीशु मसीह को, कोई भी स्वर्गदूत पुत्र का नाम उनको नहीं दिया गया है। यशायाह नबी का किताब मैं बताता है, यशायाह नबी का किताब इसका 9वां अध्याय, यशायाह नबी का किताब इसका 9वां अध्याय हम लोगों को परिचित अध्याय है, उसका 6वां पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। 6वां अध्याय में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, केवल प्रभु यीशु मसीह को पुत्र का नाम दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म के समय में स्वर्गदूत जो यीशु मसीह को क्या जन्म में गीत गा रहा था और बता रहा बेतलहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, वहां प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का नाम में हम लोग पैगाम देखते हैं। यूहन्ना रचित समाचार इसका 3रा अध्याय इसका 16वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। यीशु मसीह को एकलौता पुत्र के रूप में यहां पर देखता है। इसलिए फिलिपियों का किताब 2रा अध्याय का 10वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, हरेक घुटना यीशु मसीह के सामने टेकेंगे, हरेक जीव अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज इस सच्चाई को हम लोग को जानना जरूरी है, स्वर्गदूत बनाया हुआ सृष्टि है, यीशु मसीह बनाया हुआ व्यक्ति नहीं, वो सृष्टि करता है। स्वर्गदूतों से काफी ऊंचा पद उसको दिया गया है, इसलिए उस प्रभु को हम आराधना करें। उस प्रभु का संतान बनने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया है, अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्य कहें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।